दिल्ली के निजामुद्दीन में लोगों के धार्मिक कार्यक्रम में इकट्ठा होने के बाद इसकी सीमा से सटे उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़ने की आशंका नजर आ रही है। निजामुद्दीन पश्चिम में हुए तबलीगी जमात के आयोजन में करीब 1400 लोग शामिल हुए। इसके बाद इनमें से करीब 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आशंका है कि कई और लोग कोरोना वायरस के संक्रमण में आ सकते हैं। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपात बैठक बुलाई और राजधानी लखनऊ में मीटिंग की है। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा का हाईवे सर्वे भी किया। उनका आगरा, मेरठ और गाजियाबाद का दौरा था, जिसे किसी कारणवश रद्द कर दिया गया। गाजियाबाद से ही योगी आदित्यनाथ वापस लौट गए। निजामुद्दीन मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी ने ये फैसला लिया है। तबलीगी जमात के मरकज में जिन हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, उनमें से काफी बड़ी संख्या में लोग देश के अलग अलग हिस्सों में वापस जा चुके हैं। कुछ लोग यूपी वापस आए होंगे। अब जब इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कुछ लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उन सभी राज्यों के लिए खतरा पैदा हो गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। लिहाजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में अधिकारियों से कह दिया है, जल्द से जल्द उन लोगों की लिस्ट बनाई जाए जो निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए। दक्षिण कोरिया की तर्ज पर निजामुद्दीन में भी रणनीति के साथ पूरे इलाके के लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। हालांकि अब देखना होगा योगी सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और कौन से सख्त कदम उठाती है। SPN9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।